हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस ब्लूबेरी केक। तो ये केक बनाना बहुत ही सिंपल है और डेकोरेशन भी बहुत ही इजी है। तो इस केक को आप बर्थडे या फिर एनिवर्सरी पे बना सकते हैं, या फिर आपको जिस पे बनाना हो आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक स्पॉन्ज केक लिया है, इसका मैंने रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड किया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसको मैंने 3 लेयर्स में कट किए हैं। तो अभी कट करने के बाद इसको एक केक बोर्ड के ऊपर रख देंगे थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा के, ताकि ये स्टिक रहे। तो अभी इसको शुगर सिरप के साथ सोक कर लेते हैं, चारों तरफ से अच्छे से इसको सोक कर लें। तो अभी इसको चारों तरफ से सोक कर लेते हैं शुगर सिरप के साथ। तो अब इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगा देंगे। तो व्हिप क्रीम को आप अच्छे से व्हिप कर लीजिए, बिल्कुल भी रनी नहीं रहना चाहिए। तो व्हिप क्रीम लगाने के बाद अभी इसके ऊपर हम क्रश लगा देंगे। तो ये मैंने ब्लूबेरी का क्रश लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इसको भी चारों तरफ लगा देंगे। तो अभी इसके ऊपर सेकेंड लेयर रख देते हैं और इसको भी शुगर सिरप के साथ सोक कर लेंगे। तो सोक करने के बाद सेकेंड हम व्हिप क्रीम लगाएंगे। तो चारों तरफ लगा लें इसको ऊपर, और साइड में जहाँ गैप दिखे वहाँ पे भी आप लगा लें थोड़ा सा व्हिप क्रीम। और इसके बाद सेकेंड लेयर के ऊपर भी ब्लूबेरी का क्रश लगा देंगे। अगर आपके पास ब्लूबेरी का नहीं है तो वहाँ पे आप कोई भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, या फिर जो आपको पसंद हो आप वहाँ पर फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो अभी केक की थर्ड लेयर रख के इसको भी शुगर सिरप के साथ सोक करके व्हिप क्रीम लगा देंगे। और इसके बाद हमें क्रश नहीं लगाना है, बस 2 लेयर्स में ही क्रश लगाने रहते हैं। तो अभी केक को हमें क्रीम से चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लेना है। तो इसको स्मूथ कर लें चारों तरफ से। तो यहाँ पे मैंने केक के चारों तरफ क्रीम लगा दिया है। तो अभी इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे बाद फ्रिज से निकाला है क्रीम लगाने के बाद, थोड़ा सा ये सेट हो जाता है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से व्हिप क्रीम लिए हैं, तो एक में मैं ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ और एक में मैं ग्रीन कलर। तो ये लिक्विड कलर है, आप चाहे तो जेल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। मैं भी फ्लावर और लीफ के लिए डिज़ाइन बना रही हूँ, इसलिए मैंने कलर ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर का नोजल लिया है स्टार वाले। तो पाइपिंग बैग में ब्लू वाले कलर का जो व्हिप क्रीम था वो भर लिया है। तो अभी इसके ऊपर डिज़ाइन बना देंगे, आपको जैसा डिज़ाइन पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। तो बस ये सिंपल फ्लावर वाला डिज़ाइन है। तो अभी जो साइड में थोड़े बहुत क्रीम लगे थे उसको क्लीन कर लेते हैं। तो वही सेम नोजल से मैं इसके नीचे भी डिज़ाइन बना रही हूँ। और यहाँ पे एक लीफ का नोजल लिया है, तो इससे बीच बीच में थोड़े बहुत लीफ बना देंगे। तो जब आप क्रीम में कलर ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें, उसके बाद फ्लावर बनाएं। अच्छे से सेट हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद 10-15 मिनट तक, या फिर आप जेल कलर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये मेल्ट नहीं होता है, सेट रहता है। पर लिक्विड कलर में थोड़ा बहुत ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो इसलिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद कोई भी डिज़ाइन बनाए। तो यहाँ पे मैंने लीफ का भी डिज़ाइन बना लिया है केक के साइड में। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने सिल्वर बॉल्स लिए हैं इसके ऊपर रखने के लिए। तो वही सिल्वर बॉल्स मैंने केक के साइड में भी लगाए हैं, और थोड़े से जो कलरफुल वाले आते हैं रेनबो कलर टाइप में स्प्रिंकल्स वगैरह, वो मैंने लगाए हैं। तो बस इसके ऊपर मुझे नाम लिखना है, बाकी केक रेडी है। तो यहाँ पर मैंने फोंडेंट की टॉपिंग की है, फोंडेंट से नाम लिखा है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को।